यीशु मसीह के नाम से आप सबको शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन। आज हम बात करेंगे जॉन नॉक्स के बारे में, जिनका जन्म 1514 में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 नवंबर 1572 में हुई। यह शहर हेडिंगटन के निवासी थे। इन्होंने स्कॉटलैंड देश में ईसाई धर्म का प्रचार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में चर्चों के सबसे महत्वपूर्ण सुधारकों में से एक माने जाते हैं। सन 1514 में जन्मे नॉक्स ने स्कॉटलैंड के चर्च में नैतिक मानकों को निर्धारित किया और चर्च में पोप के अधिकार का विरोध किया। वे प्रारंभिक चर्च सुधारकों से प्रभावित होकर स्कॉटलैंड चर्च को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करने के लिए सुधार सेवा में शामिल हो गए और पैट्रिक हैमिल्टन और जॉर्ज विस्वर्ट द्वारा पीछे छोड़े गए सुधार के सेवकाई की जारी की रखा। बाद में उन्हें इंग्लैंड के चर्च में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ और राजा एडवर्ड 6 के शासनकाल के दौरान शाही पादरी बन गए। लेकिन जब रानी मैरी 1 ने इंग्लैंड के सिंहासन पर चढ़ा और रोमन कैथोलिक धर्म को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, तो नॉक्स को अपना पद त्यागना पड़ा और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नॉक्स जिनेवा चले गए, जहां उनकी मुलाकात जॉन कैल्विन से हुई, जिनसे उन्हें बाइबल की सच्चाइयों पर आधारित चर्च के अनुशासन अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ। सन 1555 में कुछ प्रोटेस्टेंट ने नॉक्स को स्कॉटलैंड लौटने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उन्होंने चर्च में एक नया अनुशासन और सेवा के नियम बनाए, जिसे बाद में स्कॉटलैंड के चर्च ने अपनाया। नॉक्स 1559 में एडिनबर्ग के चर्च के पादरी के रूप में चुने गए थे। अपने धर्म उपदेशों के द्वारा उन्होंने स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट वादों और अलग रूप के आगे बढ़ने की मदद की। जब उन पर विधर्म का आरोप लगाया और उन्हें स्कॉटलैंड की रानी का सामने लाया गया, तो वे अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहे और रानी से कहा, न्याय की तलवार परमेश्वर की है। यदि राजा और शासक इसका उपयोग करने में विफल रहते हैं, तो उसका कोई उपयोग कैसे करेंगे। नॉक्स ने ग्रीक और हिब्रू सीखी और बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिन्हें भी अपना जीवन सुसमाचार के समर्पित किया। उनकी आवाज़ 500 तुरही की आवाज़ से अधिक ऊंची है। इसी तरह नॉक्स की आवाज़ में लगातार सच्चाई का बखान किया और रानी और कई शीर्ष अधिकारियों की तुलना में प्रभावशाली थे। परमेश्वर ने नॉक्स को कई खतरों से बचाया था और अंत में 25 नवंबर 1772 में एडिनबर्ग की उनकी मृत्यु हो गई। यीशु मसीह के नाम पे आमीन।